नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां पटना से आई निगरानी विभाग की 11 सदस्यीय टीम ने राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम द्वारा अचानक की गई छापेमारी से विभाग में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बता दें कि 15,000 घूस लेते सहरसा कलेक्ट्रेट से इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्त में आए अभियुक्त राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार झा है, जो कहरा अंचल कार्यालय में नियुक्त है। विजिलेंस विभाग के डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया कि परिवादी मोहम्मद इसराफिल के द्वारा बीते 23 दिसंबर को उन्हें शिकायत निगरानी में दी गई थी कि उनसे दाखिल खारिज के एवज में घूस की मांग की जा रही है, जिसका सत्यापन 27 दिसंबर को कराया गया। सत्यापन में यह बात सही पाई गई, जिसके बाद आज की गई छापेमारी में 15,000 के साथ राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। परिवादी है मोहम्मद इसराफिल, रोगामणि के रहने वाले हैं। इन्होंने 23/12/22 को इन्होंने अपना एक परिवाद दिया था निगरानी में कि इनसे जो दाखिल खारिज के एवज में घूस की मांग की जा रही है। इसके सत्यापन कराया गया, सत्यापन में ये सही बात पाया गया और आज उनको 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। किस जगह से गिरफ्तार किया गया? उनको कलेक्ट्रेट ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जो है वो संतोष कुमार झा है, राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय कहरा सहरसा। और किसी की शिकायत भी मिली है क्या सर? ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम है सर? अरुणोदय पांडे, डीएसपी विजिलेंस, ढावादल प्रभारी हमारे साथ में हैं, आदित्य राज जी, 11 सदस्यों की टीम है जिसमें इंस्पेक्टर जो है सत्येंद्र जी, मुरारी प्रसाद, ईश्वर प्रसाद, एसआई में दिवाकर जी हैं और बाकी मेरे स्टाफ लोग हैं।